हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू द कुकिंग एंड मच मोर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मिशो हॉल, और ये इट्स ऑल अबाउट होम टुडे। इसमें कुछ चीज़ें हैं तो होम डेकोर की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं होम यूज़फुल या तो फिर किचन यूज़फुल यू कैन से या। और अगर आप ये वीडियो को एंजॉय करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हिट द बेल आइकॉन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। या विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट टू आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दिस आउटफिट, दिस टॉप आई बॉट फ्रॉम द शीन, और शीन जो है अभी इंडिया में बैन हो चुका है तो आई कैन नॉट गिव यू द लिंक और द प्रोडक्ट कोड, बट या सिमिलर टॉप यू विल फाइंड इट ऑन अमेजोन और ऑल्सो ऑन मीशो। तो या लेट्स स्टार्ट टू आवर मेन वीडियो। लेट मी टेल यू गाइज, बिकॉज अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ वॉल पेंटिंग चाहिए या तो फिर वॉल स्टिकर चाहिए जो काफ़ी क्लासी भी लगे और जो ऐसे चटैक वाले भी ना हो, काफ़ी ट्रेंडी लगे और काफ़ी अच्छे लगे वीडियो में एज अ ऑन वाइट बैकग्राउंड। आई जस्ट लव दिस पेंटिंग यू नो। और ये आता है 3 के सेट में, लेट मी शो यू। शेप काफ़ी अच्छा है और पेंटिंग भी जो एज आई से 3 के सेट में आता है। तो फर्स्ट है ये ब्लैक, सेकेंड है रेड कलर और थर्ड है येलो कलर। तो जब भी मैं ऑब्वियसली अब नेक्स्ट वीडियो से आप बैकग्राउंड में ये पेंटिंग देखोगे कुछ इस साइड पे, और हाँ जब भी मैं लगा दूंगी ये तो मैं उसका भी क्लिप जो है वो साइड में शेयर कर लूंगी। और इसके बैक साइड में आता है ये डबल टेप, तो बस आपको ये रिमूव करना है और वॉल पे स्टिक करना है। तो इसके लिए आपको कोई यू नो कोई जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि कील लगाओ ये वो करो या तो फिर कुछ आपके साइड से डबल टेप लगाओ, इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज यू नो कील लगाना या तो फिर और अपनी ओर से जुगाड़ करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से यू नो डिले भी हो जाता है वो चीज़ें लगाने में। तो आई फाउंड इट्स वेरी, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगे यार ये तीनों भी कलर ना, मतलब और ये यू नो वाइट बैकग्राउंड पे काफ़ी अच्छी जाएगी, काफ़ी अच्छी जाएगी अगर। और हाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोडक्ट कोड ऑब्वियसली दे दूंगी, बिकॉज मीशो के जो है लिंक्स नहीं आते हैं, प्रोडक्ट कोड आते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करने हो तो या आप प्रोडक्ट कोड ले सकते हो और मीशो में सर्च कर सकते हो। एंड येस, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मीशो एट ऑल, आई एम जस्ट शेयरिंग माई शॉपिंग विथ यू, दैट्स इट। येस, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑफकोर्स फॉर द होम डेकोर, एंड यू गाइज गोना लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस वन इज द क्यूट सकोफे, एंड या यू कैन यूज़ फॉर द होम डेकोर, अल्सो आप बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसे। मैंने पर्सनली इसे फॉर होम डेकोर ऑर्डर किया है। यू कैन यू नो प्लेस इट इन कॉर्नर, कोई भी जो आपका लिविंग रूम का कॉर्नर हो या तो फिर बेडरूम का, मतलब जहाँ पे भी आप इसे डेकोर करना चाहते हो। और यहाँ पे आप कैंडल लाइट होल्डर्स रख सकते हो, या तो फिर कोई आपके पास अच्छा सा प्लांटर हो, इंडोर प्लांट, मतलब नॉट दैट मच हैवी बट ऑब्वियसली छोटा सा, तो वो भी आप रख सकते हो। अगर कोई आपके पास कोई डेकोर वाली चीज़ें होगी ब्यूटीफुल सी, वो भी आप इस पे रख सकते हो, या तो फिर आप बैठने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बस आप ये इसे ऐसे ही रख सकते हो। मैंने इसको एक्चुअली मंगाया था लेवेंडर कलर में, बट ये मुझे ब्लैक कलर में रिसीव हुआ है, बट ब्लैक कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसीलिए इसे मैंने रिटर्न नहीं किया, इसे रहने दिया, बिकॉज मुझे ब्लैक कलर भी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने लेवेंडर कलर मंगाया था, तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसे हो सकता है अबाउट कलर, आपको कोई भी रैंडम कलर मिल जाएगा, आई मीन आ सकता है। दो वहाँ पे चॉइस है आपको कलर सिलेक्ट करने के, बट फिर भी तो कलर में आपको ऐसे हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ, बट या मुझे ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है ब्लैक कलर में भी, तो मैंने रख लिया इसे, मैंने इसे रिटर्न करना पसंद नहीं किया। सो थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है किचन यूजफुल, दिस मशीन, कैन यू गेस
कि ये किसके लिए यूज होता है. ओके लेट मी टेल यू, ये जो फूड सीलिंग के लिए, सॉरी फूड बैग सीलिंग के लिए यूज होता है, यानी कोई भी आप पॉलिथीन या तो फिर कोई भी पैकेट्स जो होते हैं फूड के, या तो फिर दाल, शक्कर, चीनी या जो भी हम पैकेट्स में लेके आते हैं. और मतलब हमेशा ऐसे नहीं होता है कि हर एक चीज़ हम कंटेनर्स में ही स्टोर करें, जैसे कि कुछ मसाले होते हैं छोटे छोटे पाउच में आते हैं, या तो फिर जो भी हो, बड़ी चीज़ें हो छोटी चीज़ें हो, हर एक चीज़ हमें जैसे कि कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते या तो फिर करते नहीं हैं. तो उन चीज़ों को सील करने के लिए यू कैन यूज़ दिस. और सिंपल है, इसमें आपको कलर चॉइस नहीं मिलेगा, यही कलर आएगा. या इट्स ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन पिंक एंड वाइट. ये बैटरी से ऑपरेट होता है, तो पीछे मैंने एक्चुअली लगाया है, पीछे ये ऐसे आपको दो बैटरीज लगानी होती है. और जब ये डिलीवर हुआ तब ऑब्वियसली मुझे यूज़ करके देखना था कि ये सच में इससे सील हो रहे है या नहीं हो रहा है. तो या इसे अच्छे से सील हो रहा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स जो है इसे सील करके देखा, काफ़ी 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 अच्छे से इसे सील हो रहा है. और या मतलब छोटा सा है, और इसे बस अपने स्टेपलर के जैसे यूज़ करना है. स्टेपलर जो हम यू नो पेपर्स के लिए यूज़ करते हैं, बस इसके अंदर जो है वो पॉलीथीन या तो फिर जो भी पैकेट है आपका वो ऐसे ऐड कर लेना, ऐसे इंसर्ट कर लेना, और ये ऐसे 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 आप इसको सील कर सकते हो. और काफ़ी एयर टाइट इसे सील हो जाता है, जैसे कि आप कोई चिप्स पैकेट होते हैं, कोई मिक्सचर पैकेट होते हैं, या तो फिर जो भी स्मॉल स्मॉल जो होते हैं पैकेट्स मसालेस के, जो भी हो, बस आप इसे सील कर सकते हो. तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा. मैं एक्चुअली जो है क्लिप्स यूज़ करती हूँ, पैकेट के जो फूड पैकेट क्लिप्स आते हैं वो यूज़ करती हूँ मैं. बट हाँ, ये काफ़ी यूज़फुल लगा कि हर एक पैकेट को जो है वो हम क्लिप नहीं लगा सकते, या हर एक पैकेट जो है हम एयर टाइट कंटेनर में नहीं रख सकते. कुछ छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं. और ये ऐसे बॉक्स में रिसीव हुआ है, और काफ़ी यू नो हैंडी है, और अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट. अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना हो तो, या एज आई सेड कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोड मिल जाएगा, तो आप यूज़ कर सकते हो. और जब भी आपने इसे मतलब यू नो पैक करके रखना है तो इसके अंदर आपको ये ऐसे मिल जाएगा. तो बस ये आपने इसको ऐसे कर देना है, और ये या नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है, तो ऑब्वियसली किचन यूज़फुल प्रोडक्ट है, तो वो है ये है स्प्राउट मेकर. जैसे कि हमें मूंग को, या तो फिर जो काले चने होते हैं, जैसे भी हमें स्प्राउट बनाने होते हैं, तो सिंपली हमें उसे पानी में पहले भिगोना होता है. और जब वो अच्छे से भीग जाते हैं, फॉर 8 to 9 hours हम भिगाते हैं, और जब वो अच्छे से भीग जाते हैं तो हम उसे किसी कॉटन क्लॉथ में बांध देते हैं, और फिर उसके स्प्राउट्स निकल आते हैं. तो आपने इसे यूज़ कैसे करना है, पहले तो आपने जो है मूंग हो या तो फिर चने हो, जिसे भी स्प्राउट्स लाने हैं, वो पानी में भिगोना है सिंपल 8 to 9 hours. उसके बाद ये जो नीचे का कंटेनर है, नीचे का जो है सेक्शन, ये सेपरेट होता है. ओके तो मैंने ये यूज़ किया है, मैंने इसमें स्प्राउट्स लाए हैं. तो इसके नीचे के कंटेनर में आपने ऐड करना है पानी, और ये जो दो कंटेनर्स है ऊपर के, इसमें आप रख सकते हो जो भी हो, आपकी मूंग हो, मटकी हो, या तो फिर चने हो, जो भी हो आप इसमें रख सकते हो. और या इसे पैक कर दीजिएगा, और इसे अच्छे से स्प्राउट आते हैं. मैंने इसे यूज़ किया है. ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट आता है उसको पहले मैं यूज़ करती हूँ, और उसके बाद ही उसका रिव्यू देती हूँ. तो मुझे अच्छा लगा. यू नो कभी कभी ऐसे हो जाता है काफ़ी टाइम मेरे साथ कि मैं स्प्राउट्स के लिए तो जो है वो भिगा देती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं भूल जाती हूँ उसे कपड़े में बांधूँ, और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है. कभी कभी मैं थक जाती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और स्प्राउट्स जो है वो ज़्यादातर यू नो हम लोगों को लगते हैं स्प्राउट्स. तो या मैंने इसे मंगाया. अगर होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने ये वीडियो को एंजॉय किया हो, तो या एज आई सेड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो इन फ्री ऑफ कॉस्ट. और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.
बाय बाय।